नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है कोच अकेडमी। अब सबसे बड़ी चीज मेरे इस YouTube चैनल को खोलने का सबसे बड़ा रीजन था लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है कि सबकी पढ़ाई रुक गई है, वो घर बैठे बैठे क्या बुक के सामने बैठ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक टाइम के बाद आप बुक नहीं पढ़ पाते, एक टाइम पर आपको बोर लगने लगता है, आप पबजी खेलने बैठ जाते हो, कुछ और करने बैठ जाते हो। तो जो चीज़ आप एक घंटे में बुक में पढ़ोगे उसके साथ एडिशनल जो करंट अफेयर का चीज़ होगा, मेरी UPSC हो गया, स्टेट PSC हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों में आपको यहाँ कवर करवा के दूंगा। 15 मिनट आधे घंटे का जो भी लेक्चर होगा उसमें आपको हर चीज़ यहाँ पे कवर होती चलेगी। अब बात यह आ जाती है कि आप मेरे चैनल को क्यों देखोगे, मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आपके कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो लोग क्या होता है कि लिमिटेड फ्रेम में पढ़ाते हैं। लिमिटेड फ्रेम में मतलब जैसे कोई भी चीज़ हो गई, जैसे एक सिटीजनशिप हो गया, सिटीजनशिप में सिर्फ आपको 5 पॉइंट्स बता देंगे कि हाँ ये होता है, नेचुरलाइजेशन से होता है, रजिस्ट्रेशन से होता है, बाई सॉइल होता है। तो ये सब चीज़ें वो एक लिमिटेड फ्रेम की चीज़ें होती है। वो क्या है, 2010-2012 तक उसने पूछ लिया जिसको पूछना था, अब वो दोबारा ये सब चीज़ नहीं पूछेगा, हमको उससे 2 स्टेप आगे बढ़ के पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेमो देना चाहूंगा। डेमो में आप ये देख लीजिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। तो डेमो में स्टार्ट करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। क्या होता है कि CSAT का जो पेपर होता है लोग उसको ना इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोरेंस के कारण क्या होता है कि लास्ट का जो एक महीना होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। आप यहाँ GS तो निकाल लोगे लेकिन वो CSAT में फिर आप अटक जाते हो। तो CSAT में जो अटकता है वो सबसे बड़ा बेइज्जती का कारण होता है, आपको ये बता दूं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं ना कि GS में तो उन्होंने क्वालिफाई करके 120 पार कर दिया उन्होंने, लेकिन CSAT में बेचारे वो 66 भी पार नहीं कर पाते। तो यहाँ डेमो का सबसे बड़ा रीजन है कि पहले मैं मैथ से स्टार्ट करूंगा आपका, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री, इकोनॉमी और उसके बाद जो भी है, एक एक हर सब्जेक्ट का आपको एक एक डेमो मिलते जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारी भाषा में बोला जाता है उसे शुरू करते हैं। तो क्वांट में मैं आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जो भी स्क्वायर फॉर्म में रहता है, जैसे आप देख लीजिए, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है x² + 2x या 3x + 2 = 0, तो स्क्वायर वाला फॉर्म जो होता है इसी के कारण हम लोग इसको पूरा बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर कोई पढ़ा सकता है, अब मेरे ही क्यों देखेंगे, वो भी उसका भी रीजन है। क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको यूजुअली कोचिंग सेंटर वगैरह में एक नॉर्मल सिंपल तरीका बता दिया जाता है कि हाँ ठीक है आप इसे करिए, आप उसको करने में आपको कम से कम 2 मिनट 1.5 मिनट इतना टाइम लगता है, आप उतना टाइम क्यों देंगे उसमें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसमें 3 तरीके होते हैं, जैसा आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं 3 तरीके। पहला तरीका जो होता है वो होता है नॉर्मल तरीका। ठीक है, नॉर्मल तरीका जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका होता है पंडित श्रीधराचार्य का मेथड, जो B² वाला फॉर्मूला रहता था -B², ये फिर कभी यूज करने लायक है नहीं, इसको कभी छूना भी मत, ये क्या करे दिखाने का फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं है, ये कभी आपको एग्जाम में या किसी चीज में फायदा नहीं देगा, 5 मिनट आप उसमें वेस्ट करोगे क्या मतलब होगा उसका, छोड़ देना उसको। तीसरा फॉर्मूला जो होता है उसको मैंने नाम दिया है मैजिक, जादू। तो अब क्या है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है x² + 3x + 2 = 0। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप करेंगे x² + 2x कर दिया, यहाँ तोड़ दिया, प्लस x तोड़ दिया, प्लस 2 = 0 तोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रहेगा x कॉमन ले लिया, यहाँ से x + 2 यहाँ पे आ गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x + 2 = 0। इसके बाद क्या होता है, x + 2 यहाँ पे आ गया और x + 1 आ गया, तो यहां से आपके रूट निकल के आते हैं x = -2 और x = -1। लेकिन क्या आपने इस तरीके से करना है, अपन इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हर कोई जानता है।
एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। ये क्वेश्चन अगर इस मेथड से कोई कर रहा है तो उसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लगने वाला है। तो हम लोग 2 मिनट देंगे क्यों उसको, हम 30 सेकंड में इसको निपटा के खत्म कर देंगे। क्या होता है कि आप सी साइड का पेपर अगर जल्दी सॉल्व कर दोगे ना, तो सॉल्व करके जब आप बैठे रहोगे ना, तो 10 लोग को ताकते रहोगे ना, तो उनका मनोबल टूटता है। ये सबसे जरूरी है, आपको अपने आप को सबसे आगे लेके जाना है। आपको आगे अपने आप को लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाला पीछे छूट जा रहा है। क्या होता है कि अगर आपको कोई देखेगा कि आपने हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, चुपचाप बैठे हुए हो आप सब चीज बना के, उसका मनोबल टूटेगा, उससे बनता वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो यही चीज हमको यहाँ पर सीखना है। अब ये तो आपको तरीका मैंने बता दिया था कन्वेंशनल नॉर्मल मेथड का, ये हमको नहीं करना है। करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। बड़े शिद्दत से शांति से बैठ के बस आप समझते जाइएगा, आपको कितना मजा आने वाला है आपको पता भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में नॉर्मल हमने क्वेश्चन दिया था x² + 3x + 2 = 0, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, यहाँ x square है मतलब इसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब सीधी बात होगी इसके सामने में 1 होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास क्या आया, प्लस का 2 आया, ठीक है। अब प्लस का 2 को अपन कैसे कैसे ला सकते हैं, इसको दो तरीके से लाया जा सकता है, +1 और +2। इसके फैक्टर्स हो गए, +1 + +2 का मतलब यहाँ पे क्या था, 1 × 2, ठीक है। 1 × 2 हुआ तो अपना इंटू में 2 आया, और अगर यहाँ पे हम 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला ये वाला 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो अपने पास 2 के फैक्टर्स क्या आ गए, 1 और 2। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको साइन चेंज करना, -1 हो गया -2 हो गया। यही तो आपके आंसर थे, यही चीज आपको करना था। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ये चीज, खैर तो बहुत छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपको उतना खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी। आपको मैं दूसरे क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें ट्राई करके देखिए, आपको खुद को समझ में आएगा। तो देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है। तो अब मैं पहले वाले को बाद में सॉल्व करता हूँ, दूसरे वाले को पहले सॉल्व करता हूँ। इसमें दिया हुआ है 3x² + 19x + 30। जैसा मैंने स्टेप के अकॉर्डिंग आपको बताया था हम वैसे ही करते जाएंगे, ठीक है। अपने को क्या करना था, इसका पहला डिजिट हो गया और ये जो आखिरी डिजिट है इसको अपने को मल्टीप्लाई करना था। 3 × ++30 था, तो 3 × 30 कितना होता है, +90 होता है। +90 मतलब जहां पे आपका ये प्लस का साइन आ गया, यहां आपको ये चीज देखना है कि जो इसके फैक्टर्स होंगे दोनों के साइन सेम होने चाहिए, मतलब या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, इतना आपको शायद क्लियर होगा। तो हम इसका देखते हैं तोड़ने की कोशिश, ठीक है। 10 और 9, 90 को अगर अपन तोड़ेंगे तो कैसे आते हैं, +10 और +9। अब +10 और +9 कैसे आया, आपको ये चीज देखना है कि 90 कहां से आया, 1 × 90 हो गया, 2 × 45 हो गया, 3 × 30 हो गया, 5 से होगा, 5 × 18 हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिलता है 9 × 10, ठीक है। 90 इससे अपने को मिला है 9 × 10 से, तो वही चीज हमने उसका फैक्टर ले लिया, +90 आया इसका 10 × 9। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों का साइन चेंज करना है, ठीक है। +10 था -10 हो गया, +9 था -9 हो गया। यहां तक सब चीज क्लियर है। अब आपको आखिरी स्टेप में क्या करना है, जो ये पहला डिजिट होगा उससे आपको डिवाइड कर देना आंसर को, बटा तीन। तो आपका आंसर यहां पे क्या निकल के आएगा, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 1 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पे निकल के आ गया, पहले वाले का 3.33 और दूसरे वाले का आंसर आ गया -3, ये भी -3। कितने जल्दी निकल गया आप सबको ट्राई करके देखिएगा कितने जल्दी निकल जाता है।
ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन में इसको भी अपन उसी तरीके से करेंगे, 5, 12 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आंसर कितना आने वाला है अपना, माइनस का 12, ध्यान से देखिएगा माइनस का 12 यहाँ पे, ठीक है, 5 × 12 माइनस का 16। अब माइनस का जो साइन यहाँ पे है ये अपने को क्या बताता है कि जो इसके फैक्टर्स आएंगे इनके साइंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे, साइंस अलग अलग होंगे मतलब एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा या तो दूसरे का माइनस होगा पहले का प्लस होगा, ये चीज अपने को करना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए, प्लस है तो अपने को ऐड करना है, माइनस है तो अपने को सबट्रैक्ट करना है दो नंबर को, ठीक है। तो अब अपन क्या करें कि इसमें 11 आए, क्या किया जाए क्या किया जाए, तो मैं सबसे पहले इसमें 60 का निकालता हूँ, 1 × 60 2 × 30 3 × 20 4 से जाएगा, 4 ठीक है 15 × 7 ये भी जाएगा, हाँ। तो अपने को यहाँ का एटलास्ट मिला, इन दोनों का डिफरेंस अपने को मिला 15 और 4 का, तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, प्लस का 15 एंड माइनस का 4। प्लस का 15 कैसे लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ था, प्लस का 11, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 15 आ गया और यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका प्लस 11 आता है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप अपने क्या करना था, माइनस 15 प्लस का 4, साइन चेंज हो गया। अब अपने जो मैंने आपको बताया था कि पहला डिजिट से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड कर दिए 15/5 4/5 तो आपका आंसर निकल के आ गया, ये वाला जो है वो निकल के आ जाएगा -3 और ये जो है इसका निकल के आ जाएगा समथिंग 0.8। इसी तरीके से अपने को आगे भी सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन है जिस भी तरीके का है, इसमें और 3-4 टाइप के होते हैं, वो अब मैं आपको रेगुलर जब क्लासेस चलेंगे उस टाइम पे आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हो सकता है कि शाम तक कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपको डेमो मिल जाए, उसके बाद कल हिस्ट्री वगैरह इकोनॉमी वगैरह का आपको डेमो मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी गलती आपको लगी होगी, समझ आया नहीं आया, जो भी रीज़न है आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए मुझे, जैसा भी रीज़न होगा फिर उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। शाम तक या कल सुबह तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी डेमो मिल जाएगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।